हजरत हकीम इस्लाम हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह ने एक उनका एक मुकालमा हुआ था अफ्रीका के सफर के दौरान एक यहूदी से। हजरत फरमाते हैं, हम उम्रे के लिए आना था, हकीम इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब मोहतमे में दारुल उलूम देवबंद, तो हमने एक बैग बनवाना था एहराम का, तो हमारे दोस्त अफ्रीका में एक फैक्ट्री में ले गए, उसका मालिक एक अरबपति यहूदी था। कहते हम एहराम का बैग पसंद कर रहे थे, तो बेल्ट छोटा था, तो उन्होंने कहा जी मैं अभी बनवा देता हूं, आप उस वक्त तक तशरीफ रखें। मेहमानों चूंकि उन्होंने तारुफ करा दिया था कि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमे में इतने बड़े आलिम है, तो यहूदी अरबपति उसको शौक हुआ मैं जरा कुछ मुकालमा करूं बातचीत। तो आपस में गपशप के दौरान उसने हजरत हकीमुल इस्लाम से कहा जी कुछ मजहब के बारे में बताइए। हजरत ने फरमाया भाई इसके बारे में क्या गुफ्तगू करनी है, आपका अपना मजहब है, लकुम दीन कुम वलिया दीन, हमारा अपना मजहब है। उसे कहा नहीं जी फिर भी कुछ तो बताइए, मैं मुख्तसर कह रहा हूं बड़ा मजेदार वाक्य। हजरत ने कहा कि बस इसमें यह कह सकता हूं अगर आप बुरा ना माने तो हमारे और आपके मजहब में फर्क यह है कि आप हमारे दुश्मन हैं हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे दुश्मन हैं हम आपके। और उन्होंने कहा यह क्या बात हो गई, उन्होंने कहा असल में हकीकत भी यही है, हम आपके दोस्त इसलिए कि आपके पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो हमारे में पैगंबर, हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ना लाए, मोमिन ही नहीं हो सकता, और कोई अदना भी गुस्ताखी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान में करे वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो जिसको आप पैगंबर मानते हैं उसको हम भी पैगंबर मानते हैं, हमारा ईमान उनके साथ, हमारी मोहब्बत उसके साथ, अदना गुस्ताखी जायज नहीं, हम उनके बगैर मुसलमान नहीं बन सकते, और आप उस वक्त यहूदी नहीं बन सकते जब तक हजरत सैयद हमारे पैगंबर हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब ना करें, जब तक जुटलाए ना, हम जब तक तस्दीक ना करें आपके पैगंबर की मोमिन नहीं हो सकते, और आप जब तक तकजीब ना करें उस वक्त तक यहूदी नहीं बन सकते। लिहाजा पता यह चला हम आपके दोस्त हैं चाहने वाले, आप हमारे दुश्मन हैं हमारी बदखाई चाहने वाले। उन्होंने कहा अच्छा कुछ और कहिए, उन्होंने कहा देखिए मैं पहले ही कहता था बुरा मानेंगे, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, हम ईमानदार हैं आप लोग बेईमान हैं, हम ईमानदार हैं आप क्या हैं बेईमान। उन्होंने कहा यह क्या बात हुई, उन्होंने कहा बात यह है कि ईमान नाम है मानने का, ईमान नाम किसका है और बेईमानी नाम है ना मानने का। आपके जो पैगंबर हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हम मानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हम मानते हैं, तो हम तो मानकर मुसलमान, इसलिए हम तो हैं ईमानदार। हम क्या हैं क्योंकि ईमान नाम है, हम जिसको मानेंगे क्योंकि मान रहे हैं लिहाजा ईमानदार, और आप लोग जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना माने और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने उस वक्त तक मोमिन। तो इसका मतलब यह है कि हम हैं ईमानदार और आप क्या हैं बेईमान, क्योंकि हम मानने वाले आप क्या हैं ना मानने वाले। अब उसके चेहरा बदलना शुरू हुआ, यह क्या बात होगी। फिर कहने लगे कुछ और भी तफसील बयान करें, उन्होंने कहा भाई आप नाराज हो जाएंगे अगर मैं और कुछ बयान करूंगा, तो लिहाजा और आप ना करवाएं, नहीं जी कुछ और बयान फरमा दें। हजरत ने फरमाया तुम्हारे अंदर अदावत भरी हुई, हमारे अंदर दोस्ती भरी हुई मोहब्बत भरी हुई। उसने वो कैसे, कभी ईमान हम रखते हैं ईमान हजरत मूसा पर, ईमान हजरत ईसा पर, और ईमान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ईमान नाम है मोहब्बत का। ईमान नाम किसका, जब हम ईमान रखते हैं तो हम मोहब्बत रखते हैं, गोया हमारे दिल में हजरत मूसा की भी मोहब्बत भरी हुई, हजरत ईसा की भी मोहब्बत भरी हुई, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी भरी हुई, और तुम्हारा अंदर अदावत भरी हुई इसलिए कि तुम ईमान नहीं रखते ना हजरत ईसा पर ना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो गोया तुम उस वक्त यहूदी नहीं बन सकते जब तक कि अदावत ना करो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हजरत ईसा से। तो तुम्हारे कुलूब में क्या भरा हुआ है, तो खुलासा यह निकला हमारे अंदर दोस्ती है तुम्हारे अंदर दुश्मनी। हम यही बात रवाफिस से भी कह सकते हैं हजरत अली के बारे में, ये मुकालमा याद रखिए, ये पूरी बात कह सकते हैं, ठीक है ना जी, हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह उनके बारे में। तो उसने जब ये दो तीन बातें सुन के बस 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 अब और आप मजीद आप कुछ बात ना बयान करें जी। वो बेल्ट एहराम का तैयार हो गया, हजरत वहां से वो रुख्सत हो गए।
وہاں سے لیا. کہنے مقصد یہ خلاصے کا کہ حقیقت بھی یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کیونکہ عالمگیر مذہب ہے ہر زمانے کے لیے, اس لیے اس کا پیغام, اس کی محبت بھی عام ہے, اور باقی سارے کے سارے ان میں کہیں نہ کہیں نفرت, دشمنی, عداوت, بغض, یہ چیزیں اس کے اندر بھری. اسی طرح اہل سنت والجماعت, اب میں آگے میں خود کہہ رہا ہوں, اہل سنت والجماعت وہ ہیں جن میں اہل بیت کی بھی محبت, صحابہ کی بھی محبت, ایک ہاتھ میں اہل بیت, ایک ہاتھ میں صحابہ کرام. اور روافض وہ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں جی, وہ اس وقت تک روافض نہیں بن سکتے جب تک کہ حب علی کے دعوے میں صحابہ کے بارے میں ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا نہ. اس کا مطلب وہ دشمن اور عداوت والے, اور اہل سنت محبت اور دوستی اور جوڑ والے. اسی طرح خوارج کو لے لی, خوارج اس وقت تک خوارج نہیں ہو سکتے جب تک کہ اہل بیت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بغض ان کے دل میں موجود نہ ہو. تو خوارج اور روافض دونوں صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے افراط و تفریط کے دو راستے ہیں, اور اہل سنت والجماعت کا راستہ فطرت پر اور دین اسلام کا راستہ ہے اور ہدایت کا راستہ ہے.